करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों दुख तकलीफों को ख़त्म कर दे, अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा के बिरा गुनाहों को माफ़ कर दे। आज जो मैं आपके साथ अमल और वज़ाइफ पेश करने जा रही हूँ बहुत नायाब है, सिर्फ मोहब्बत को बढ़ाने के लिए बहुत बुलंद और बाला है। बहुत से ऐसे वज़ाइफ हैं जो मैंने आपको मोहब्बत के बारे में, चाहत के बारे में और आपस में रिश्तों की तकरार को ख़त्म करने के बारे में बताए हैं, तो आज भी एक नया वजीफे के साथ आपके साथ पेश करने के लिए आई हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे बहुत नाराज़ है और बहुत आपको तकलीफ है उसकी कि वो मुझसे क्यों नाराज़ है, ख़ासकर मियाँ बीवी के मामले में ये बहुत ज़्यादा मसला होता है कि मेरे मतलब के जैसे कि मेरा शोहर क्यों नहीं बोलता, मेरा शोहर मुझसे क्यों नाराज़ है, इस तरह के बहुत से मसले होते हैं। थोड़ी सी रंजिश बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा जो है अपने अंदर जगह बना लेती है, तो इन रंजिशों को ख़त्म करने के लिए तो आपने क्या करना है, सिर्फ जुमे रात वाले दिन आपने जो स्क्रीन के ऊपर तीन आयतें चल रही हैं, आपने वो तीन आयतें लिख कर, ठीक है, तो आपने तीन आयतें किसी कागज पर लिखो और वो तकिए के अंदर रख दो। अगर आपका शोहर है, आपसे नाराज है, तो लिखकर अपने जो तकिया है उसके अंदर रख दो और तकिए को मतलूब के सर के नीचे रख दो, यानी कि उस तकिए के ऊपर जो मतलूब है, जो तालिब है जिसने रखा, और जो मतलूब है उसके सर के नीचे उसको रख दो। अगर इस तकिए के ऊपर आप खुद भी यानी कि तलब करने वाला अगर सर रख ले तो कोई इसका कोई मसला नहीं है, कोई मतलब की परेशानी नहीं है। इंशाल्लाह दरमियान जो भी नफरत या कोई खराबी या कोई ऐसा मसला होगा खासकर मियाँ बीवी में, तो वो मोहब्बत में बदल जाएगा और बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी। ये तकिए के अंदर ही रहने दे, ठीक है, बहुत नायाब और मौजिज अमल है, बहुत बुलंद और बाला अमल है, आप ये लाजमन कीजिएगा। तो आपने जो है जो आयाते हैं वो उतार लेनी है। तो पढ़ना क्या है, फा असली हूं से लेकर आपने हकीमन तक एक आयात है, तो यहां तक आपने पढ़नी है, और पढ़नी नहीं आपने लिखनी है, ठीक है, लिखनी है आपने, पढ़नी नहीं है माजरत के साथ, ठीक है। तो फिर आपने यूसली हूं से लेकर अजीमन तक एक दूसरी आयत है, उसको लिख लीजिएगा जो स्क्रीन पर चल रही है। तीनों आयतें स्क्रीन पर चला दी जाएंगी, आप तीनों को उतार के लिख लीजिएगा। और फिर इंसल्लाहु से लेकर गफूर रहीम तक आपने तीसरी आयत जो उनसे लिख लेनी है, तो इंशाल्लाह इतनी मोहब्बत हो जाएगी, इतनी मोहब्बत, इतना इत्तेफाक, इतनी चाहत होगी कि कोई तोड़ नहीं सकेगा, यहाँ तक कि कुछ जादू से भी तोड़ेगा ना, कभी भी वो मोहब्बत नहीं टूटेगी, बशर्ते वो तकिए के अंदर आपने जो पर्ची है वो सी दी हो, यानी कि तकिए के अंदर डालकर तकिया ऊपर से सी दो ताकि कोई निकाल ना सके। तो इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अदा फरमाए, इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।